सियासत का रंग सबसे चोखा चढ़ता है, ये तो आपने सुना होगा। कुछ यही रंग एक बार फिर से देश और विदेश की सियासत पर चढ़ने लगा है। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका खबरें अब तक में। आज खबरें अब तक में बात होगी अमेरिका में बदली सत्ता की, झारखंड में विपक्ष के बड़े दावों की, यूपी उपचुनाव में दलित वोट बैंक को मची खींचतान की, ऐसी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे खबरें अब तक में। लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। हरदोई सड़क हादसा, पीएम ने किया 2-2 लाख की मदद का ऐलान, 10 लोगों ने गवाई थी जान। अमेरिकी चुनाव में जीत के लिए राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी नंबर 16 को पकड़ा। दिल्ली में पश्चिम बिहार इलाके में एक दुकान में 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर तकरीबन 84 पर पहुंचा। किन्नर अखाड़े का इंटरनेशनल लेवल पर होगा विस्तार, कुंभ में आएंगे किन्नर। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद भारत में सेंसेक्स निफ्टी झूमे, 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद। अजीत पवार की एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र, लाड़की बहन योजना की मदद बढ़ाकर तकरीबन 2100 रुपए करने का वादा किया। एलएमवी लाइसेंस धारक 7500 केजी तक वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के हकदार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अक्टूबर में भारत में खुदरा कार बिक्री में हुई 32% की बढ़ोतरी, एसयूवी की खूब मांग। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो गया है चुनावी माहौल में चुनावी मुद्दों और विषयों का, तो चलिए शुरू करते हैं खास रिपोर्ट्स का सिलसिला। चुनावी माहौल इस वक्त न केवल देश में बल्कि भारत के खास रहे अमेरिका में भी है। इससे पहले हम देश की राजनीति की बात करें, उससे पहले 7 समंदर पार की राजनीति में भी गोता लगाना बनता है। मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा, कुछ ऐसा ही कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ठाना था जब वो राष्ट्रपति चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार तो वो सैलाब बनकर वापस आ गए हैं। अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जीत दर्ज की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक तस्वीर ने ट्रंप की किस्मत बदल दी, उनके जनाधार को सैलाब में बदल दिया? नहीं तो चलिए बताते हैं। दरअसल अमेरिका में ट्रंप की एक तस्वीर ने चुनाव के रुख को बदल दिया और ट्रंप को राजनीति में वापसी का एक सुनहरा मौका दे दिया। और ये तस्वीर 13 जुलाई 2024 की है, जब पेंसिल्वेनिया में बटलर पार्क में ट्रंप पर एक जानलेवा हमला हुआ था। गनीमत रही थी कि वो बच गए, मगर खून से सने चेहरे के साथ मुट्ठी कसकर लहराते हुए खड़े होने की उनकी तस्वीर ने न केवल उनके समर्थकों का दिल जीता बल्कि पूरे देश और दुनिया में उनका राजनीतिक कद और बढ़ा दिया था। इस घटना ने ट्रंप की राजनीति में वापसी को मजबूती दी थी, जबकि कोई दूसरा नेता शायद हमले के बाद दोबारा रैली करने नहीं जाता। मगर ट्रंप ने उसी जगह 2 महीने के बाद जनसभा की जहां उन पर हमला हुआ था। जब उन पर गोली चलाई गई थी तब वो फाइट 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 कहते हुए मुट्ठी हवा में लहराते दिखे थे। इस घटना ने ट्रंप को एक नया सियासी मंच दिया और उनकी पर्सनालिटी को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी जिद और साहस ने उन्हें अपने विरोधियों से कई आगे बढ़ा दिया और ये साबित कर दिया कि राजनीति चाहे देसी हो या विदेशी, नेता वही चलता है जिसमें दम होता है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। इस वक्त देश के 3 बड़े राज्यों में चुनावी दंगल जोरों पर है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है। बात झारखंड की करें तो यहां घोषणा पत्रों में जमकर लालच परोसा जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने 7 गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो ये वादे पूरे किए जाएंगे। वादे क्या है चलिए बता देते हैं। 1932 के इस खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने की गारंटी दी गई है। दिसंबर 2024 से मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 की सम्मान राशि दी जाएगी। एससी 28%, एससी 12%, ओबीसी को 27% के हितों का संरक्षण दिया जाएगा। राशन वितरण 7 केजी प्रति व्यक्ति किया जाएगा। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। धान की एमएसपी को 2400 से बढ़ाकर 3200 करने की गारंटी दी गई है। देखा जाए तो वादे तो सुंदर हैं, मगर अक्सर ये सियासी वादे पूरे नहीं होते। सरकारें चुनावी घोषणा पत्रों में बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को अक्सर भूल जाती हैं।
चुनावी समय में जनता के सामने तमाम ऐसे मुद्दे रखे जाते हैं जिनका समाधान चुनाव के बाद दिखाने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद वही सरकारें उन वादों को या तो नजरअंदाज कर देती हैं और समाधान या तो लंबित रह जाते हैं या पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। हालांकि इस बार वादे पूरे होंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच तगड़ी सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। जहां बसपा अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है, वहीं चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी उनके कमजोर होते जनाधार का फायदा उठाने में जुटी है। नगीना सीट पर मिली जीत के बाद चंद्रशेखर दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती के लगातार चुनाव हारने और उनकी पार्टी का वोट शेयर करने से लेकर चंद्रशेखर को यह मौका मिला। बसपा का जनाधार 2014 से लगातार गिर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर 19% से घटकर 9% रह गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बसपा को कोई सफलता नहीं मिली। वहीं चंद्रशेखर ने दलितों के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाई और अब उनकी पार्टी को युवाओं में अच्छा समर्थन मिल रहा है। वो बसपा की कमजोरी का फायदा उठाकर यूपी की 9 में से 8 सीटों पर उपचुनाव लड़ रहे हैं और दलित राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नगीना चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी को मिली जीत के बाद दलितों में एक नई चेतना का उभार देखा जा रहा है। वो धीरे धीरे बसपा की कमजोरी का फायदा लेने में जुट गए हैं। सबसे ज्यादा उन्हें सक्रियता का फायदा मिला है। मायावती के फील्ड में ना उतरने के बाद जो दलितों के बीच जाकर मुद्दे उठा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर ही है। और इस बात से समझा जा सकता है कि मायावती की राह का सबसे बड़ा कांटा अगर कोई है तो वो चंद्रशेखर ही है। हालांकि चुनावों में कौन किस पर भारी होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये तो थी खबर अब तक के खास मुद्दों की बात, मगर जो आते जाते एक जरूरी बात और करेंगे। चुनावों में नेता बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन असली मुद्दे अक्सर गायब हो जाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे चुनावी रैलियों में कहीं नजर नहीं आते। नेताओं की ज्यादा चिंता वोट बैंक बनाने की होती है, ना कि जनता की असली समस्याओं को हल करने की। चुनावी वक्त में सड़कों पर घूमते गरीब और बेरोजगार युवाओं की कोई सुनवाई नहीं होती। विकास के मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं जबकि जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। नेताओं की घोषणाएं वोट जीतने तक सीमित रहती हैं, लागू करने का इरादा कहीं नहीं दिखाई देता। जब तक सच्चाई से इन मुद्दों पर काम नहीं किया जाएगा तब तक चुनावी वादे सिर्फ और सिर्फ भाषणों में सीमित रहेंगे। लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे चुनौती बन चुकी है। अब इससे पार कैसे मिलेगा यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।